हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। देखिए, सीटेट का जो नोटिफिकेशन है, दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। ये नोटिफिकेशन अब तक आप सभी ने देख लिया होगा और आप सभी को पता है कि 1 दिसंबर को आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। ठीक है, तो नोटिफिकेशन से रिलेटेड मैं कुछ आपको बातें बताऊंगी और किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना। तो टाइम आपके पास बहुत कम है, 1 दिसंबर को एग्ज़ाम है। अभी सितंबर का लास्ट आपका टाइम चल रहा है, तो आपके पास 2 मंथ का टाइम है। पूरा आपके पास अक्टूबर है और पूरा नवंबर है। इस 2 मंथ में आप किस तरह से तैयारी करोगे, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो नोटिफिकेशन में क्या आया है कि आपको फॉर्म फिलअप करना है। कब से करना है? आपको 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आप सबको पता है कि पेपर 1 कौन दे सकता है? जो DLED वाले बच्चे हैं वो पेपर 1 देंगे, और जिन्होंने BEd किया है वो पेपर 2 फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, पेपर 2 में भी 2 कंडीशन होती है। जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो साइंस पेपर लेंगे, साइंस एंड मैथ्स अपने सीटेट के एग्जाम में उनको करना होगा। और जो सोशल साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो सोशल स्टडी का जो पोर्शन है 60 मार्क्स का आता है, वो उनको वो करना होगा। ठीक है, पेपर 1 और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आपको पता है किस तरह से लेना है। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, 2 लैंग्वेज आपको लेनी होती है। लैंग्वेज 1 इंग्लिश और लैंग्वेज 2 हिंदी। कोई भी आप किसी को भी लैंग्वेज 1 बना के ले सकते हो। जो भी आपका लैंग्वेज आपके लिए सही है या आपको इजी लगता है, मान लीजिए किसी बच्चे का हिंदी बहुत अच्छा है तो वो लैंग्वेज 1 में हिंदी ले सकता है। अगर किसी बच्चे का इंग्लिश बहुत अच्छा है तो वो लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ले सकता है। तो आपको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना होगा कि आपको लैंग्वेज 1 में इंग्लिश में लैंग्वेज 1 उसी सब्जेक्ट को लेना है, उसी लैंग्वेज को लेना है जो आपका अच्छा है, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। आपको 2 लैंग्वेज लेनी होती है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। बहुत लोग गुजराती भी लेते हैं, मराठी भी लेते हैं, तो वो उनके स्टेट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। लेकिन अगर मोस्टली बच्चों का देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश में से 2 ऑप्शन उनके पास रहता है। इन दोनों में से ही लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में वो लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको, अगर आपने पहले सीटेट का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा। जो लोग नए हैं उनके लिए मैंने बता दिया कि लैंग्वेज 1 में उसी सब्जेक्ट को रखिएगा जो आपके लिए इजी है, जो आप उसको इजीली कर पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही थी कि दिसंबर का नोटिफिकेशन आ चुका है, 1 दिसंबर को एग्ज़ाम है और आपके पास टाइम बहुत कम है। आपके पास 2 मंथ का टाइम है और इतने कम टाइम में तैयारी किस तरह से करें, किस तरह से हम सीटेट को क्रैक कर पाएंगे, किस तरह से हम सीटेट को क्वालिफाई कर पाएंगे, उन सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो कि जिन्होंने पेपर 2 में SST लिया है। क्योंकि अभी मैं क्या कर रही हूँ, SST की क्लासेस ले रही हूँ। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, SST की क्लासेस आ रही है। अभी मैं ज्योग्राफी की क्लासेस ले रही हूँ और सारे कंटेंट आपको NCERT बेस्ड मिलेंगे। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है और हर वीडियो के बाद आपको उस चैप्टर से रिलेटेड आपको MCQ का सेशन भी मिलेगा, जिससे आपका एक क्विक रिविजन होता है। ठीक है, तो अगर आप पेपर 2 में SST लेने वाले हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, स्टडी परचम चैनल को। डेली वीडियो आएंगे और हम पूरे सिलेबस को कवर करके हम प्रीवियस ईयर पर भी जाएंगे और बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे इस 2 मंथ में। आपके लिए भी है मुश्किल का टाइम है कि 2 मंथ में कैसे करें मैम, और मेरे लिए भी है कि आपको 2 मंथ में आप मेरे को सिलेबस कंप्लीट कराना है, तो मिल के करेंगे। कोई भी चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं होती है, अगर आप मेहनत करेंगे, टाइम देंगे तो जरूर होगा। दूसरी बात यह है कि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, आप सभी को पता है दशहरा, दिवाली, सब कुछ आने वाला है ना। तो इस चीज़ को आपको लेते हुए, सब कुछ आप सेलिब्रेट कीजिए, मैं भी करूँगी, लेकिन इस चीज़ को लेते हुए आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो है दशहरा दिवाली फिर आ जाएगा, है ना। लेकिन आपका ये टाइम, ये मौका चला जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो आपको सीटेट क्रैक करना है, 1 दिसंबर को एग्ज़ाम है। अब उस चीज़ पर हम बात करेंगे आगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात कर ले कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेपर 2 की बात मैं करूँ, पेपर 1 वाले बच्चों को तो पता है CDP, EVS, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशली मैं पेपर 2 वाले बच्चों के लिए बात करूंगी, जिनका पेपर 2 SST है, जिनका किसी कारण से SST पेपर 2
में मार्क्स अच्छे नहीं आए या किसी कारणवश उनका पेपर टू नहीं निकल पाया पिछली बार, या जो इस बार नए स्टूडेंट है जो इस बार पहली बार फिलअप कर रहे हैं फॉर्म, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए पेपर टू क्या होता है, एक साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए होता है और एक आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड। जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं वो SST लेते हैं और जो साइंस वाले हैं वो साइंस और मैथ्स लेते हैं, ठीक है। तो पेपर टू SST की हम यहाँ बात करते हैं। पेपर टू SST जो होता है ये 60 मार्क्स का पूछा जाता है। ये बहुत बड़ा एरिया आप देख सकते हो, ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि पेपर टू अगर आप SST ले रहे हो, आप अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आप पेपर टू में क्या लोगे, SST लोगे। और SST 60 मार्क्स का पूछा जाता है, 60 मार्क्स 60 क्वेश्चन इंक्लूडिंग पेडागॉजी, यानी पेडागॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये SST 60 मार्क्स का है। ये जो 60 मार्क्स है ना, ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर है, यानी ये आपको डिसाइड करेगा आपके CTET एग्जाम का कि आप CTET एग्जाम पास कर रहे हो या नहीं, क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं। क्योंकि देखिए 60 मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा वेटेज है इसका, ठीक है ना। तो आपको सबसे ज़्यादा अगर फोकस कहीं देना है इस 2 मंथ में, तो सबसे पहले आप SST पर फोकस कीजिएगा। SST की क्लासेस आ रही हैं स्टडी पर्चम चैनल पे, आप फॉलो कर सकते हो। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखना, आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। क्लास 6 क्लास 7 की ज्योग्राफी लगभग मैंने ख़त्म करा दी है, क्लास 8 की ज्योग्राफी पर हम मूव करने वाले हैं, आप देख सकते हो, आप बहुत अच्छे वीडियो मिलेंगे। तो पूरा अक्टूबर आपको चलेगा SST की क्लासेस, पूरा नवंबर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड रिविजन की क्लासेस रखेंगे, ठीक है। उसके बाद पेपर टू अगर आपने SST लिया है तो आपको 30 मार्क्स की CDP भी देनी होगी। CDP की क्लासेस अभी नहीं आएंगी क्योंकि अभी हम SST पे हमारा पूरा फोकस रहेगा। CDP की क्लासेस अगर टाइम रहा तो मैं जरूर लूंगी, अगर टाइम नहीं रहा तो मैं नहीं ले पाऊंगी, कुछ रिविजन क्लासेस जरूर आ जाएंगे। तो अगर आप CDP की क्लासेस चाहिए आपको, तो प्लेलिस्ट में CDP के नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है स्टडी पर्चम चैनल पे। आप जो पुराने वीडियो हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आपको पुराने वीडियो मिल जाएंगे। अगर नहीं तो आप किसी भी अच्छे चैनल को फॉलो कर सकते हैं जहां से आपको CDP अच्छे कंटेंट मिलते हैं CDP के, ठीक है। तो मैं अगर आप मेरे चैनल पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके पुराने वीडियो हैं CDP के, आप देख सकते हो। 30 मार्क्स का बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं उसमें डिफिकल्टी आएगी, बस आप फैक्चुअल को ये बहुत सारे मतलब लॉजिकल क्वेश्चन रहते हैं तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका 60 + 30 यहाँ पे 90 मार्क्स हो गया। अब हमारा बचा है इंग्लिश कंटेंट, 15 मार्क्स का आता है, पेडागॉजी भी 15 मार्क्स का आता है, टोटल 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ठीक है। उसी तरह हिंदी कंटेंट 15 मार्क्स और पेडागॉजी 15 मार्क्स, टोटल 30 क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप मेरे चैनल पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं बात करूँ तो मेरे चैनल पे अभी आपको पूरा अक्टूबर पूरा नवंबर SST की क्लासेस देखने को मिलेगी। 60 मार्क्स है, ध्यान में रखिएगा 60 मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है। आपको सबसे ज़्यादा अगर पेपर टू SST आप ले रहे हो तो यहाँ पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद CDP आप मेरे चैनल को फॉलो करो या आप किसी अच्छे चैनल को फॉलो कर सकते हो, मैं अभी आपको नहीं रोकूंगी, टाइम कम है, आपको जहाँ अच्छा कंटेंट मिले आप वहाँ जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आया इंग्लिश और हिंदी पेडागॉजिकल सेक्शन, ये मेरे चैनल पर आपको नवंबर में बहुत ही बेहतरीन वीडियो देखने को मिलेंगे, आप फॉलो करते रहिएगा। नवंबर में इसकी पेडागॉजी की क्लासेस आएंगी और ये कंटेंट में ना आपको पैसेज पूछा जाता है, गद्यांश पद्यांश पैसेज पूछा जाता है 15-15 मार्क्स के, उसको भी किस तरह से आपको सॉल्व करना है वो उसका भी वीडियो आएगा, वो भी मैं बता दूंगी। तो ये जो आपको पोर्शन आपको दिख रहा है ये नवंबर में क्लासेस आएंगी, पूरे नवंबर हम इसी को पढ़ेंगे, ध्यान में रखिएगा, आपको घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से मैं तैयारी करा दूंगी आपको हिंदी और इंग्लिश पेडागॉजी और कंटेंट की, ठीक है। तो मैंने CDP के बारे में भी आपको बता दिए और SST के बारे में भी बता दिया, ठीक है। SST की पेडागॉजी की भी क्लासेस आएगी, जब हम प्रीवियस ईयर करेंगे तो पेडागॉजी भी साथ में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मेन कंटेंट है, क्योंकि आपको 6th, 7th और 8th तीनों का आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड पॉलिटी खत्म करना होता है। सिलेबस बहुत वास्ट है, जितना ज़्यादा ये मार्क्स दिख रहा है ना उतना ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है SST पर, ठीक है। तो टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 मार्क्स के, नो नेगेटिव मार्किंग, एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी
यानी आपके गलत क्वेश्चन हो जाएंगे या आंसर गलत होगा तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 90 मार्क्स लाना है ना, तो आप मान के चलो कि आपको 90 या उससे ऊपर लेके आना है। अब मैं यहाँ पे SST पे फोकस करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि SST आपका 60 मार्क्स का हो गया और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश पैडागॉजी आपके 30-30 टोटल कितने हो गए 60 मार्क्स और हो गए। तो ये 120 मार्क्स पर अगर आप ज़्यादा फोकस करोगे तो आपको 90 लाने से कोई रोक नहीं सकता। आप ज़्यादा लेके चलो, एक्सपेक्टेशन हाई रखोगे तो अचीव भी आप हाई ही करोगे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन हमेशा हाई रखो कि 120 प्लस लेके आना है तो आप 90 मार्क्स जरूर लेके आओगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या देखना है कि यहाँ पर ज्योग्राफी की क्लासेस आ रही हैं, अब ख़त्म होने वाला है ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री की क्लासेस आएंगी, फिर पॉलिटी की क्लासेस आएंगी। पूरा अक्टूबर हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, पूरा नवंबर हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड रिवीजन क्लासेस चलेंगे। इंग्लिश एंड हिंदी पेडागॉजी की क्लास मैंने पहले भी बताया कि नवंबर में आपकी आएगी विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब एक बात और मैं बता दूं कि जो लोग मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्होंने मेरी इंग्लिश और हिंदी की पेडागॉजी की क्लासेस देखी है, बहुत बेहतरीन वीडियो है। अगर आप अभी भी फॉलो कर सकते हो, अगर चाहते हो कि अभी आपको इंग्लिश पढ़ने हैं, हिंदी पेडागॉजी पढ़ना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे अच्छे वीडियो बने हुए हैं, आप देखिएगा, आपको एक बेस मिल जाएगा। और जब उसके बाद आप नवंबर में तैयारी करोगे ना, पूरे नवंबर इंग्लिश और हिंदी की, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, है ना। यही था ऑल अबाउट जो भी मैं आपको बताना चाह रही थी कि आपको किस तरह से तैयारी करना है। फॉलो कीजिएगा पेपर 2 SST के लिए, है ना, क्योंकि टाइम कम है, मैं बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं ले पाऊंगी, 2 महीना है, और आपको भी बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है। कोई एक चैनल को फिक्स कीजिए और उसी को फॉलो कीजिए। भटकोगे भटकने में आपका 10 से 15 दिन निकल जाएगा और एक एक दिन आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, पढ़िए, मैं भी आपको उतना ही मेहनत करूंगी आपके साथ, आपको भी मेहनत करना है। जब हम दोनों मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर एग्ज़ाम को क्रैक करोगे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप बने रहिए, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। देखिए, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, आप एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक करोगे, बस आप फॉलो करते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।